नमस्कार किसान वीरों, आज है 25 जुलाई। मैं श्री इंडो इजराइल टेक्नोलॉजी एंड नर्सरी की ओर से आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे हो यह बगीचा जो है हाई डेंसिटी के तहत अभी प्लांटेशन किया गया है। विगत 15 दिन पहले इसे प्लांटेशन किया है। आप देख सकते हैं इसमें ड्रिप वगैरह डाला हुआ है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी है 4 फीट और लाइन से लाइन की दूरी है 10 फीट। जो ये सेकेंड रो आप देख पा रहे हो, यह प्लांटेशन मिस्टर नंदू पवार सर है, उन्होंने किया है। जो खुद खेती की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, उनका मुंबई में कुछ बिजनेस है, तो अभी जस्ट 15 दिन पहले यह प्लांटेशन अनलोडिंग हुआ था। यह अनलोडिंग का वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा, यह वीडियो मैं आज के डेट में अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर। और बेसिकली अगर देखा जाए तो यह हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि देखो, बहुत सारे किसान भाई इस चीज़ से परेशान है कि हमारे आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ होने के बावजूद हर साल इनमें फल नहीं आता। तो दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं कि मेल फीमेल का मतलब होता है कि आगे का कोई जनरेशन अगर हमें जनरेट करना है तो उसके लिए मेल और फीमेल, ये दो चीज़ें होती है। इनका जब मतलब के एक स्वरूप में जब आते हैं तब इनसे आगे कुछ उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह क्या होता है कि हम जो प्रजाति के पेड़ लगवा रहे हैं, इनमें पॉलिनेशन के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रजाति आती है, इनको हमें सेट करना पड़ता है। तो ये जब सेट होते हैं तब जाके मतलब के अभी हमने जो प्लांटेशन किया है, इस बगीचे की डिमांड ये रहेगी कि इसमें हर पेड़ के ऊपर कम से कम 40% जो फ्लावरिंग रहेगी हर साल मैनुअली हाथों से रिमूव करनी होगी। मतलब यहाँ पे किसान इस चीज़ को लेके परेशान है कि हमारे आम के पेड़ों में हर साल फल नहीं आते, बट यहाँ पे किसान इस चीज़ को लेके परेशान रहेगा कि इनके पेड़ों में तो फल खूब आ रहे हैं लेकिन बहुत ही पौधे की क्षमता से बाहर इसमें फ्लावरिंग आ रही है। तो पौधे की क्षमता के बाहर जो फ्लावरिंग होती है तो ये पौधा इतना मतलब के झेल नहीं पाएगा या इतने फल तैयार कर नहीं पाएगा। इस वजह से क्या करना पड़ता है कि कम से कम मतलब पेड़ की जो फिजिकली कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए पेड़ कितने फल अपने ले सकता है या फिर डेवलप कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर फल रखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि 1 एकड़ ज़मीन के अंदर अगर आप लगाना चाहो 4x10 के हिसाब से, तो 1 एकड़ में 1100 पेड़ बड़े आराम से लगते हैं। मतलब कि आज तक जो किसान भाई देख रहे, पुरानी आम की खेती में ऐसे होता था 40 फीट बाय 40 फीट पौधा लगता था, तो 1 एकड़ में 40 पेड़ मात्र लगते थे। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर किया था किया जाए तो 24 से 25 एकड़ के जो आम के पेड़ है ये 1 एकड़ में सेट होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आप इसमें देख पा रहे हो, यहाँ पे भी ऑलरेडी पहले कपास का प्लांटेशन किया था, यहाँ पे कपास स्वाइंग किया हुआ था, जो अभी इसके चलते निकाल के फेंक दिया है। मतलब कि जो मैंगो का रो है, मैंगो के रो के अंदर कॉटन का रो रखा नहीं है। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हो, अभी इसका प्रूनिंग के थ्रू इसको ग्रो किया जाएगा, जो ये कम से कम हाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और इसमें कभी भी आपको एक ध्यान में रखना है कि इसको जब फ्रूटिंग आएगा तो पेड़ पर चढ़ने की नौबत कभी नहीं आएगी पूरी ज़िंदगी में। इसको बिल्कुल नीचे से ही हम पेड़ के आजू बाजू घूम के फल तोड़ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि लेसन लेस लेबर लगता है, लेसन लेस ज़मीन लगता है, लेसन लेस इन्वेस्टमेंट, और कम से कम मेहनत के अंदर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। अभी इसमें इसको हम आगे जब ये 3 साल का बगीचा हो जाएगा तो हम इसको रेसिड्यू फ्री प्रोडक्शन में वर्कआउट करेंगे। मतलब कि रेसिड्यू फ्री का मतलब होता है कि केमिकल इसमें 0% होगा उस टाइम, और इससे जो भी फल आएगा इसको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की लेबोरेटरी होती है, गवर्नमेंट लेबोरेटरी में जब यहाँ के फल जाएंगे तो उन फलों की टेस्ट की जाएगी, और उन फलों की टेस्ट करने के बाद जब गवर्नमेंट की लेबोरेटरी से इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि भाई आपके किसी भी फल के अंदर केमिकल 0% है, तो आपको ये परमिशन मिलती है इंडियन गवर्नमेंट से
कि भाई आप इसको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ इसका भी प्रूनिंग किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि यह प्रूनिंग का जो मेथड होता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल आप अगर अपने चैनल से जुड़े हो तो आप बारीकी से अगर अपने चैनल पर अपडेट देखते रहोगे तो आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल दोस्तों देखिए, कॉटन और मैंगो बढ़िया से ग्रो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप अगर मैंगो प्लांटेशन में जाते भी हो तो मैंगो प्लांटेशन के अंदर मतलब कि ये थर्ड ईयर में इनकम जनरेट करेगा। अभी नेक्स्ट सीजन में मैं आपको इन पेड़ों के ऊपर 80% पेड़ों के ऊपर मैं आपको फ्लावरिंग बताऊंगा इसी बगीचे में। आपको ध्यान में रखना यह बगीचा देखिए, इधर जो भी कंस्ट्रक्शन किया है, इधर इन्होंने तार फेंसिंग किया हुआ था। सेकंड थिंग, इधर इन्होंने गोट फार्मिंग किया था जो फेलियर रहा, मतलब खर्चा काफ़ी तगड़ा इन्होंने लगा दिया, बावजूद कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी होने के कारण इनका गोट फार्म फेलियर रहा। बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने इन्वेस्ट किया था। ये इन किसानों के मैं लगभग 3 साल से टच में था, तो रेगुलरली टच में होने के कारण अभी उनको लगा कि भाई खेती में हम कुछ हॉर्टिकल्चर से ही कुछ हम वसूल कर सकते हैं, ये जो लगा हुआ खर्चा है करके इन्होंने अभी ये मैंगो का प्लांटेशन किया है। और मैंगो का प्लांटेशन करने वाले सारे या फिर किसी भी बगीचे का प्लांटेशन हाई डेंसिटी में जो लोग कर रहे हैं इसराइल टेक्नोलॉजी के थ्रू, उनको ये सीधा साधा एग्जाम्पल है कि पहले 3 साल तक हमें इसमें कोई फल लेना नहीं है। फल आएंगे, फ्लावरिंग आएगी, फूल आएंगे, सब कुछ आएगी इसमें, बट लेना नहीं है, क्योंकि जब तक ये शाखाएं बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं करती, पेड़ को डेवलपमेंट नहीं मिलती, मजबूती नहीं मिलती, तब तक हम इसमें फल ले नहीं सकते। तो दोस्तों तब तक हम इसमें इंटरक्रॉपिंग लेंगे, ऐसा बहुत सारे किसान भाई सोच रहे होंगे, बट ये बिल्कुल सरासर रॉन्ग है। हम तब तक नहीं लेंगे, हम इसमें लाइफ टाइम लेंगे। मतलब कि जैसे मान लो 3 साल बाद जब ये फल देगा पेड़ आम का, तो फल लेने के बाद इसका प्रूनिंग कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर ये जो अंदर का इंटरनल स्पेस है ये फिर भी मतलब कि खुला हो जाएगा। फिर इसमें और इसमें साल में आप छोटी छोटी फसलें दो और रेगुलर फसल 6-7 महीने की एक अगर कोई फसल लेते हो तो ये एक फसल इंटरक्रॉपिंग में आप ले सकते हो। और बाद में इसमें हम फिर से नेक्स्ट सीजन में मैंगो का प्रोडक्शन लोगे, मतलब कि एक सीजन आपको मैंगो का इनकम जनरेट होगा और सेकंड सीजन में आप इसमें प्रूनिंग करके इसमें आप जनरेट कर सकते हो इंटरक्रॉपिंग। तो मैंगो और इंटरक्रॉपिंग साल में आपको यहाँ पे 2 बार फसलें मिलेगी। अभी सारी जो लाइनें आप देख रहे हो ये टोटली यहाँ पे अप्रॉक्स 1 एकड़ की समथिंग लैंड है, आगे पीछे सब मिला के यहाँ पे टोटल 1100 पेड़ों का प्लांटेशन किया गया है। देखो अभी प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो यहाँ से ये प्रून कर दिया था पहले, तो ये डाली ब्रेक होने के बाद यहाँ से 4 शाखाएं निकल के आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसमें भी आगे जो वर्क होगा ये आपको बिल्कुल देखने में मिलेगा। तो अभी ओपनली उस ग्राउंड के अंदर इन्होंने कैसे क्या प्लांटेशन करके रखा है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप देख पा रहे हो पूरा स्क्वायर का इधर तार फेंसिंग किया हुआ है और उसी के अंदर उन्होंने मैंगो का भी प्लांटेशन कर दिया है। मतलब एक अगर देखा जाए तो डेकोरेशन भी हो रहा है और इनमें से उनको इनकम भी जनरेट होता रहेगा। और सारा जो प्लांटेशन किया गया है ये ड्रिप के थ्रू किया गया है। पूरा फॉरेस्ट्री को लग के ये एरिया है, आप देख सकते हो।
और प्लांटेशन करने के बाद यहाँ पे कई जगह पे बढ़िया सा ग्रोथ देखो, जैसे मैंने बोला था ना इसमें, जैसे यहाँ से प्रून था तो यहाँ पे दो शाखाएं निकली है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे और दो शाखाएं निकलेगी, इसी के थ्रू इसको ग्रो किया जाएगा। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं इस बगीचे का वीडियो लेके आऊँगा, विद इन वन वीक के अंदर अंदर। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा इसके एडवांटेज क्या है, एक एकड़ में हम औसतम कितना उत्पाद ले सकते हैं, कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसकी मार्केट पोटेंशियल क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केट में केसर आम की कितनी मांग है, और इसकी डिमांड इंडिया में कितनी रहती है, और इसका प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाजू में दिया गया बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।